अपने ईमान पर फखर मत करो, शुक्र करो। अपने इस्लाम पर फखर मत करो, शुक्र करो। अपने आमाल पर फखर मत करो, शुक्र अदा करो। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का अजीब निज़ाम है, कभी देते हैं तो कभी देकर छीनते भी हैं। अल्लाह को कभी तकब्बुर पसंद नहीं आता, कभी गुरूरी पसंद नहीं आती। फिर वो जुमला दोहराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, माल पर, शोहरत पर, वजारत पर, हुकूमत पर फ़कर और गुरूरी और तकब्बुर करना तो दूर की बात। अल्लाह तबारक व ताला को ईमान और आमाल पर भी कोई फ़कर करता है, अल्लाह उसे भी जलील करके रख देते हैं, दी हुई नेमतों को छीन लेते हैं। इस उनवान पर तो इस वक्त मुझे एक ऐसा बड़ा वाकया याद आ रहा है, कभी किसी ज़माने में मैंने बयान किया। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत अब्दुल्ला उंदलुसी रहमतुल्लाही अलैह, लाखों मुरीदों के शेख, हजरत अब्दुल्ला उंदलुसी। उंदलुस एक गांव का नाम, शहर का नाम। वहां रहने वाले शेखुल मशाइख हजरत अब्दुल्ला उंदलुसी रहमतुल्लाही अलैह। और गहराई में जाऊं तो आपको बताऊं, ये इतना बड़ा शेख है जिसके खुलफा में हजरत अबू बकर शिबली है। इतने बड़े शेख, कुरान के हाफिज, कुरान के मुफस्सिर, लाखों हदीसों के हाफिज, लाखों हदीसों के शारिया, फकीह वक्त, वक्त का गौस, लाखों मुरीदों का शेख, हजारों खुलफा का शेख, एक एक मजलिस में 20-20 हज़ार का मजमा हजरत के दर्स और हजरत की मजलिस में होता था। लाखों ने ईमान कबूल किया, लाखों की इस्लाह हुई। इतने बड़े शेखुल मशाइख एक सफ़र की तैयारी करते हैं, सफ़र कोई ऐसा वैसा भी नहीं, हज का सफ़र हो रहा है। जब हजरत हज का इरादा करते हैं, एक ज़बरदस्त काफिला बन गया, क्योंकि अल्लाह वालों की सोहबत में अगर कोई उम्रा करता है, अल्लाह वालों की सोहबत में अगर कोई हज करता है, हमारे हज में कोई कमी पेशी हो जाए, औलिया की नस्बत से अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमा लेते हैं, नस्बतों का भी असर पड़ता है। जब हजरत हज और उम्रे का इरादा करते हैं, हज़ारों लोग हजरत के काफिले में जुड़ गए। और सफर कोई मामूली है आज का? अल्लाहु अकबर, सबसे कीमती मुकद्दस और मुअज्जज सफर का नाम है हज और उमरा। हजरत सफर के लिए निकले, मुरीदों का, आशिकीन का, मुतअल्लिकीन का, मुतवस्सिलीन का एक बहुत बड़ा मजमा है। हजरत जा रहे हैं, एक लंबा सफर खत्म करने के बाद अचानक हजरत ने ऐलान कर दिया, ओ भाइयों, तुम सब हज को चले जाओ, मेरा इरादा तर्क हो गया, मैंने हज का इरादा छोड़ दिया। पूरे मुरीदीन परेशान हो गए, हजरत क्या वजह, क्या उजर, क्या तकलीफ, क्या सबब, वो भी हज का इरादा। तबीयत नासाज है, या घर से खबर मिली कि कोई बीमार है, या कोई हादसा पेश आया है, और अचानक आपने हज का इरादा तर्क कर दिया। हजरत ने जुमला बयान किया, भाइयों अब मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं है। और मजमा परेशान हो गया, तुम्हारे ऊपर क्यों हज फर्ज नहीं है? तो हजरत ने फरमाया कि भाइयों बात कुछ और है, आप समझ नहीं सकते। पूरा मजमा परेशान था, रातों में दुआओं में मसरूफ है, लेकिन पूरी पूरी रात नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का वली, पूरी पूरी रात दुआ करने वाला अल्लाह का वली, जिसकी ज़िंदगी में कभी तहज्जुद नहीं छूटी, जिसका दिल हमेशा अल्लाह 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 कहता था, आज दो रात से हजरत पूरी मजलिस से गायब हैं। पता नहीं कि हजरत कहाँ जाते हैं। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह हजरत को एक रात फॉलो करते हैं, तो देखते क्या हैं कि हजरत एक ईसाई का दरवाज़ा पूरी रात खिटखिटा रहे हैं।
हजरत अबू बकर शिबली परेशान हो गए, अल्लाह ये क्या बात है, हजरत का दरवाज़ा सारा आलम खिटखिटाता था और आज हजरत एक ईसाई का दरवाज़ा खिटखिटा रहे हैं। अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि बात तो कुछ और है, देखा जाएगा क्या होता है। बहुत खिटखिटाने के बाद अंदर से दरवाज़ा खुलता है तो ईसाई बाहर निकल कर कहता है, ओ बूढ़े, जो मैंने कहा तो कहा, अमल करना है तो आ, नहीं तो जा। अल्लाह अकबर। अबू बकर शिबली देखते हैं कि आज हमारे शेख को कोई इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, कहता है कि बूढ़े, और क्या बात थी, क्या शराइत थे। फिकर के समंदर में अबू बकर शिबली डूब गए। थोड़ी देर के बाद आवाज गुफ्तगु की आती है, अबू बकर शिबली सुनते हैं शेखुल मशाइख हजरत अब्दुल्ला औंदुलीसी कहते हैं कि भाई, तेरे तीन शर्तों में मुझे दो शर्तें मंजूर हैं, एक शर्त नहीं। अबू बकर शिबली परेशान हो गए कि क्या शर्त है। फिर गुफ्तगु आगे बढ़ती है तो ईसाई को शेखुल मशाइख कहते हैं, दीन छोड़ दूंगा और एक साल तक सुवर चराऊंगा, लेकिन कुरान की बेहुरमती नहीं करूंगा, क्योंकि वो मज़हब की मुकद्दस किताब है। किसी भी मज़हब की मुकद्दस किताब की तौहीन ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। धर्म के खिलाफ तो दूर की बात, इंसानियत के खिलाफ है। तेरे तीन शर्तों में से दो शर्तें मंजूर हैं, एक दीन छोड़ दूंगा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, दूसरा एक साल तक सुवर चराऊंगा, तेरे दो शर्तें मंजूर हैं। ईसाई कहता है कि मैं इंतजार करूंगा, तुम दो शर्तों पर अमल करो, एक अभी और दूसरा एक साल तक मैं तुम्हारी निगरानी करूंगा, खुद मेरे पास सुवर हैं, तुम एक साल तक चराओ, तब जाकर हम हमारी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करेंगे। पूरा माजरा अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के सामने आ गया। अब हजरत अबू बकर का जो हाल हुआ होगा वो मैं क्या जानूं, आप क्या जाने। एक मुरीद अपने शेख से, अपने माँ बाप से भी बढ़कर मोहब्बत करता है, एक मुरीद अपने शेख से, एक शागिर से भी बढ़कर मोहब्बत करता है, क्योंकि शेख अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता बताने वाला, दिल की सफाई का इलाज करने वाला, ट्रीटमेंट करने वाला, दुआएँ जिक्र और अस्कार के जरिए से देने वाला। अबू बकर शिबली का जो हाल हुआ, आकर हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह अपने पूरे काफले में ये बता देते हैं, भाई हमारे शेख का बड़ा बुरा हो गया, दुआएं करो, दुआएं करो, दुआएं करो, और इंतजार करने का वक्त नहीं। सफर अगर मुलतवी हो गया तो फिर वक्त पर मक्का पहुंचने में ताखीर होगी और इस साल हज नहीं होगा। निकलो, हम वहां जाकर दुआ करेंगे। लंबा चौड़ा वाकिया है, अंदर बड़े निकात हैं और नसीहतें हैं, मैं जितनी जरूरत है उतनी बोलकर आगे गुजरो। पूरे हज से फारिग हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अकदस में हाजिर हुए, आका के दरबार में सलाम अर्ज किया, अपने शेख के लिए दुआ की गुजारिश की। वापस आते हैं हज से फारिग होकर, देखते क्या है कि अंदलुस के किसी इलाके में लाखों और हजारों के बीच में बैठकर कुरान पढ़ने वाला, बैठकर कुरान की तफसीर करने वाला, बैठकर नबी के हदीस बयान करने वाला, की शराह करने वाला, मसाइल बताने वाला, बातिनी इलाज पेश करने वाला, जाहिरी इलाज पेश करने वाला, अल्लाहु अकबर। अब क्या है कि चटेल मैदान में हाथ में वो असा जो मस्जिद में जुमे में मिंबर में पकड़ता था, वो असा जो मजलिस में लेकर बैठता था, उस असे को छूना मुरीदीन अपनी सादत समझते थे, हाथ में वही असा है, चटेल मैदान है, एक तक नहीं है। देखते क्या है कि शायख नहीं, शायखुल मशायख सुवरों को चरा रहे हैं। अल्लाह के हाथ में है हिदायत, देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं।
हमारे मोमिन बनने से हमारे अल्लाह को कोई फायदा नहीं और इंसानों के कुफ्र करने से अल्लाह को कोई नुकसान नहीं। अल्लाह के दरबार में हमेशा हिदायत की भीख मांगते रहो, जिसे हिदायत मिल गई मौत तक सलामती की दुआ करते रहो। वरना मैंने वो अहादीस कई मरतबा आपके सामने बयान कर दिए, जिंदगी भर का मुसलमान मौत के वक्त काफिर बनकर मरेगा, हजारों वाकियात मौजूद है। सुबह का मुसलमान शाम को काफिर, शाम का मुसलमान सुबह को काफिर देखने में आता है। मुझे साफ कहने दो मेरे दोस्तों, ईमान के बाद ही तमाम चीजों का दर्जा है। ईमान को किसी के नाम पर कुर्बान न करो, हर चीज को ईमान के नाम पर कुर्बान करो। दुनिया में सब चीजें मिल सकती हैं, एक चीज नहीं मिलती जब तक उसका फजल ना हो, वो चीज का नाम है ईमान। आप हज से वापिस आए तो देखते क्या है कि शेखुल मशाइख सुवर चढ़ा रहे, रो रो कर दुआ कर रहे हैं। हाजियों की दुआ कबूल होती है, घर को जाना पसंद नहीं। पूरे खुलफा व मुरीदीन मुतालिकीन मुतासिलीन को शेख के साथ निकले, हज नहीं हुआ तो क्या हुआ, शेख के साथ घर को तो जाएंगे। हम तो अभी अभी अल्लाह और अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आए हैं, अल्लाह ने हमारे दुआओं में पावर दिया है। अब हम कुछ नहीं मांगेंगे, अल्लाह से अल्लाह का वली मांगेंगे। गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं तो दुआ कबूल हो गई, अचानक हजरत शेख चमकते हैं, ऐसे चमकते हैं जैसे गफलत में रहने वाला चमक कर होश में आता है। हजरत ऐसे चमक कर होश में आते हैं, अपनी इधर उधर की चीज़ तलाश करते हैं, फौरन परेशान हो जाते हैं, पसीना इतना निकल रहा है कि पूरा हल्का तर हो गया। हजरत फौरन जाकर एक बहती नदी में गुसल करते हैं, अपना इमामा तलाश करते हैं, सर में इमामा बांधते हैं, अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ाते हैं, सजदे में चले जाते हैं। अबू बकर शिबली को इल्हाम हुआ, अबू बकर हमने तेरी दुआ के सदके तेरे शेख को तेरे हवाले कर दिया। अबू बकर मुरीदीन के साथ दौड़ते हुए आते हैं तो देखते क्या है कि शेख फिर सजदे में पड़ा है, कहता है कि अल्लाह माफ कर दे, आज के बाद ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह माफ कर दे, आज के बाद ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह माफ कर दे, आज के बाद ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। सब आमीन कह रहे हैं, आमीन कह रहे हैं, आमीन कह रहे हैं। जब दुआ मुकम्मल हुई, सब शेख को गए, मुसाफा किए, बोसा दिए, रो रो कर गले मिल रहे हैं। हजरत क्या हुआ हजरत आपको, हम हज भी करके वापस आ गए, हजरत हमारी इस्लाह करने वाले थे आप सुवरों को चरा रहे, क्या हुआ हजरत? हजरत पूरा कुरान आपको पानी की तरह याद था, आप दीन बदल दिए, इतनी हदीसें आपको याद थी, कोई हदीस भी याद? हजरत अब्दुल्ला उंदुलसी कहते हैं कि भाई पूरा कुरान भूल गया, सिर्फ एक आयत याद थी, वमन यब्तगी गैर अल-इस्लाम दीनन फलयुक़बला मिन, एक आयत याद थी, इस्लाम को छोड़कर दूसरा दीन तलाश करेगा उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा। फिर हदीस क्या हुए, इतने लाख हदीस आपको याद थे, एक ही हदीस याद थी, मम बद्दला दीना फल युक्तल, जो दीन को बदलता है उसे कत्ल कर दिया जाए। मैं वाजिबुल कत्ल था, तुम तो मुझे कत्ल कर देना था, उस वक्त कत्ल कर दे हमेशा का जहन्नमी बन जाता। अल्लाह की रहमत गालिब थी। हजरत इतना बड़ा हादिसा, इतना बड़ा अजाब आप पर आया क्यों? हजरत ने फरमाया कि भाई तुमने आमीन कहा ना, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगा ना, आज के बाद कभी ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। भाई मैंने शराब नहीं पी, मैंने जिना नहीं किया, मैंने किसी मुसलमान तो मुसलमान गैर मुस्लिम को भी धोखा नहीं दिया, मैंने किसी को गाली नहीं दी, गीबत नहीं की, फिर क्या गुनाह हुआ? हजरत मियाँ तुम्हारे साथ सफ़र कर रहा था, रास्ते में एक मंदिर नज़र आई, मंदिर में कुछ लोग पूजा कर रहे थे, मेरे दिल में गुरूर पैदा हो गया, इनसे तो हमें अच्छे,
उसी वक्त मेरे कल्ब में इल्हाम हुआ कि अब्दुल्लाह ये जो ईमान तेरे पास है ये तेरी मेहनत नहीं हमारी अता है, हम देना भी जानते हैं लेना भी जानते हैं। ये गुरूर था, अल्लाह ने मेरे इस गुरूर को बताना चाहा तो मेरे कल्ब से ईमान को छीन लिया। मैं उसी वक्त और ज़रा आगे गया, एक फितने में मुब्तला कर दिया। यहाँ गुरूर करता हूँ वहाँ फितने में मुब्तला होता हूँ, गुरूर और तकब्बुर यहाँ हुआ और फितने में मुब्तला यहाँ हूँ। क्या फितने में मुब्तला हुआ? तो वहाँ ज़रा दूर गया तो कुएं के पास कुछ लड़कियाँ पानी सेन रही थी। एक लड़की पर नज़र पड़ी, मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। यही फितना था, लड़कियों की मोहब्बत दिलों में पैदा होना ये तुम्हारा हुनर नहीं नौजवानों, ये फितना है, फितना। गैर औरत की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाती फिर भी बोलता क्या, दिल दीवाना कहते, दिल दीवाना। दिलों में गैर औरतों की, गैर लड़कियों की मोहब्बत पैदा होना एक ज़बरदस्त फितना है। अल्लाह हिदायत छीनते हैं तो ऐसे फितनों में मुब्तला कर देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इल्म अमल किसी पर फ़ख्र नहीं करना, सादगी, सादगी मेरे नाम, सादगी बहुत बड़ी चीज़ है।